हेलो दोस्तों, गोए टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूआईडीआई ने आधार कार्ड को अपडेट करने में एक और बड़ा बदलाव कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानती हैं, पहले तो यूआईडीआई ने सभी ऑपरेटरों सुपरवाइजरों को डीएक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से जनता परेशान थी। पर अभी यूआईडीआई ने एक और अपडेट कर दिया, जिसकी वजह से जनता और परेशान होने वाली है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूंगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहले हम जाएंगे यूआईडीआई की साइट पर, जहाँ पर हमें ये अपडेट दिखाई दे रहा है और आप देख रहे होंगे कि नाउ यू कैन अपडेट ओनली एड्रेस। पहले क्या था कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता था जिसके आधार कार्ड में, वो ऑनलाइन ही अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो भी चेंज करना था चेंज कर लेता था। पर यूआईडीआई ने एक और अपडेट कर दिया है, जिसकी वजह से आप सिर्फ एड्रेस ही चेंज करवाना हो करवा सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको कोई आधार कार्ड में नेम वगैरह कुछ भी चेंज करवाना है तो आपको आधार सेंटर में जाना पड़ेगा। पर देखने की बात तो यह है कि आधार सेंटर से भी बंद कर दिया है यूआईडीआई ने, तो हम कहाँ पर ठीक करवाने जाएंगे? तो ये तो सीधा सीधा जनता को परेशान करने वाली बात ही है यूआईडीआई की तरफ से। ये कितना सरल होना चाहिए था आधार कार्ड, उतना इन्होंने कठिन बना दिया आधार कार्ड को। मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि अब ये आधार कार्ड को और भी ज़्यादा कठिन बनाएंगे और लोगों के लिए मुश्किलें और ज़्यादा पैदा करेंगे। तो अगर दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बीएलई भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ कि अब सिर्फ ऑनलाइन एड्रेस ही चेंज हो सकता है और कुछ भी नहीं चेंज हो सकता। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।